हर पल अपने आप में एक चमत्कार है, हर दिन हर वर्ष एक जादुई पल लेकर के आता है जो हमें करिश्माई लम्हे दे जाता है। फिर कभी जब हम उन लम्हों को याद करते हैं तो एक अलौकिक सा एहसास और अद्भुत अद्वितीय सी खुशी हमें मिल जाती है। ऐसा ही कुछ है क्रिकेट का त्योहार इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL, जो हर साल एक सुखद सा एहसास और कमाल की यादें हमें दे जाता है। अभी तक हम आपसे पिछले 7 संस्करणों के बारे में बात कर चुके हैं, आज हम आपसे बात करेंगे IPL के 8वें संस्करण यानी IPL 2015 की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन यादगार लम्हों की जिन्होंने IPL को स्पेशल बनाया। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने कई तरह के फील्डिंग ड्रिल्स, कई स्टैम्प, कई हाई कैचेस, फ्लैट कैचेस देखे होंगे, लेकिन इस सीजन जो मास्टरपीस टीम सऊदी और करुण नायर ने हमें अपनी फील्डिंग से दिखाया, उसका कोई मैच नहीं। उस कैच की जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी। बात है IPL के तीसरे मैच की, जब राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला खेला जा रहा था और 7 गेंदों में जीत के लिए पंजाब को 32 रनों की दरकार थी। जेम्स फॉल्कनर की गेंद पर जॉर्ज बेली ने शानदार टाइमिंग कर गजब का शॉट खेल डाला। एक पल को तो लगा कि ये छक्का हो जाएगा, लेकिन तभी बाउंड्री पर खड़े टीम सऊदी ने गेंद को लपक लिया, लेकिन उनका बैलेंस बिगड़ने लगा और तभी उन्होंने गेंद को पीछे की ओर धकेला। तभी वहां खड़े करुण नायर ने गेंद को बेहद फुर्ती से लपक लिया और गजब का कैच लिया। ये कैच न केवल इस सीजन का बल्कि IPL इतिहास के टॉप कैचों में से एक था, जिसे हर किसी ने सराहा, और ऐसा कैच अभी तक IPL में दोबारा तो देखने को नहीं मिला है। वैसे तो हर साल IPL में कई युवा और जोशीले खिलाड़ी देखने को मिलते हैं और इंपैक्ट प्लेयर, वैल्यूएबल प्लेयर जैसे अवार्ड भी हर साल ऐसे उभरते ही चमकते सितारे को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। लेकिन IPL 2015 वो समय था जब एक सबसे उम्रदराज खिलाड़ी ने IPL में कमाल करके दिखाया, जब ऑस्ट्रेलिया के जाबाज चाइनामैन बॉलर ब्रेड हॉग ने IPL में 44 साल की उम्र में हिस्सा लिया और वे IPL में खेलने वाले सबसे उम्र के खिलाड़ी बन गए। KKR की तरफ से खेलते हुए हॉग ने चेन्नई के खिलाफ मैच में कोहराम मचा दिया और आते ही पावर प्ले के 5वें ओवर में गेंदबाजी कर उन्होंने मात्र 12 गेंदों में ताबड़तोड़ 32 रन ठोक चुके ब्रैंडन मैकोलम को पहली गेंद में आउट कर दिया और इस मैच में 29 रन पर 4 विकेट लेकर हॉग ने यह साबित कर दिया कि ओल्ड इज गोल्ड। इस सीजन में आतिशी प्रदर्शन कर उन्होंने हम सभी को एक कहने पर मजबूर कर दिया कि एज जस्ट अ नंबर। दोस्तों, आपने लगान फिल्म तो देखी होगी, जब अंग्रेजों के साथ मैच में चेस करते हुए भुवन की टीम को अंत में लास्ट बॉल में 5 रन चाहिए थे और कचरा का शॉट बाउंड्री पर कैच हो जाता है, लेकिन फील्डर का पांव बाउंड्री पर लगने से अंग्रेज जिता जिताया मैच हार जाते हैं और गांव वालों का लगान माफ हो जाता है। ये फिल्म देखकर के ऐसा लगता है कि ये तो मात्र बस एक कल्पना है, ऐसा सच में थोड़ी ना होता है। लेकिन 2015 IPL वो समय आया जब हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, जब 52वें मैच में हैदराबाद और RCB के बीच मैच खेला जाने वाला था, लेकिन इतनी बारिश हुई कि मैच 11 ओवर तक सीमित हो गया और हैदराबाद ने वार्नर और हेनरिस की ताबड़तोड़ 50 रन के दम पर 135 रन ठोक दिए। लेकिन बारिश के खलल से मैच फिर से 6 ओवर का कर दिया गया और बेंगलोर को 81 रनों का लक्ष्य मिला। गल के विस्फोटक 35 रनों के बाद जब बेंगलोर ने कुछ शुरुआती विकेट गवाए तो चेस मास्टर फूटा गाड़ कर खड़े हो गए और जब अंतिम 4 गेंदों में 12 रनों की दरकार थी और 2/4 तो कोहली ने सामने की ओर एक शानदार शॉट खेला, लेकिन सीमा रेखा पर वार्नर के हाथों में पकड़े गए। अब वार्नर ने इस विकेट की खुशी कुछ ज्यादा ही बना ली और उनका पांव बाउंड्री पर लग गया और 6 रन हो गया और बेंगलोर ये मैच लगान स्टाइल में जीत गया। 19 गेंदों पर 44 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच रहे विराट की सेलिब्रेशन देखने लायक थी और वार्नर का उतरा हुआ चेहरा भी देखने लायक था। तभी तो कहते हैं कि नेवर सेलिब्रेट टू अर्ली। दोस्तों, इस दुनिया में काफी कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनकी कायल दूसरी टीम और दूसरे देश के फैन हो। अपनी टीम और अपने देश का फैन होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन असली चैंपियन तो वही है जो दूसरी टीम का भी चाहता हो। वंस अ मिलियन कुछ ऐसे ही क्रिकेटर होते हैं। ऐसे ही खिलाड़ी थे मिस्टर 360 डिग्री एबी डिविलियर्स। डिविलियर्स ने जितना नाम साउथ अफ्रीका में कमाया उससे सैकड़ों गुना प्यार हम इंडियंस और विश्व भर में पाया, लेकिन ये चीज दूसरी टीमों को बेहद डिमोटिवेट भी करती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला IPL 2015 के 46वें मुकाबले में, जब 10 मई को वानखेड़े स्टेडियम में RCB और MI के बीच मैच खेला जा रहा था और क्रिस गेल का विकेट सस्ते में आउट करने के बाद मुंबई ने खूब सेलिब्रेट किया, क्योंकि यही इकलौता खुशी का लम्हा था जिसके बाद कुल पिटाई होने वाली थी। नंबर 3 उतरे एबी ने 69 गेंदों पर 19 चौके और 4 छक्कों के साथ आतिशी 133 रन बनाकर गेंदबाजों का मुरब्बा बना दिया और विराट के साथ रिकॉर्ड 215 रन की साझेदारी के दम पर बेंगलोर ने 235 रन पर 1 विकेट खोकर विशाल सा स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में मुंबई दूर दूर तक मैच में कहीं नहीं दिखी और RCB ये मैच 39 रनों से जीत गया। इस मैच का एक वाक्या देखने लायक था, जब ABD की लाजवाब हिटिंग से वशीभूत होकर मुंबई के फैंस भी ABD को चेयर करने लगे। ये लम्हा देखने लायक था। ये नजारा न केवल इस IPL का बल्कि T20 इतिहास की सर्वश्रेष्ठ पारी और टॉप मोमेंट्स में से एक था।
जब आईपीएल 2015 की शुरुआत हुई तो टूर्नामेंट की सबसे फिसड्डी टीम लग रही थी मुंबई इंडियंस। मुंबई जिसने अपने परंपरा के अनुसार अपना पहला मैच हारा और फिर हारती ही चली गई। आलम कुछ ऐसा था कि 6 में से 5 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में मुंबई का बाहर होना तो लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन अपने अगले 8 मुकाबलों में 7 करिश्माई जीत दर्ज कर मुंबई ने वो कमाल करके दिखाया। ग्रुप स्टेज में दूसरे स्थान पर आने वाली मुंबई ने पहले क्वालिफायर में पोलार्ड के ताबड़तोड़ 41 रनों के तूफान के दम पर चेन्नई को 25 रनों से हरा कर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। अभी तक तो चेन्नई को ही फेवरेट्स माना जा रहा था और आरसीबी को हराकर चेन्नई ने फाइनल में अपनी जगह पक्की की। अभी मुकाबला कांटे की टक्कर का होने वाला था, क्योंकि इन दोनों टीमों की भिड़ंत में कभी मुंबई हावी रहती तो कभी चेन्नई का पलड़ा भारी रहता था। जहां 2010 में चेन्नई ने खिताब अपने नाम किया था तो 2013 में मुंबई ने बाजी मारी थी। खैर, इंतजार खत्म हुआ और पहले बैटिंग करते हुए मुंबई ने अपने दमदार बैटिंग के दम पर 202 रन ठोक दिए 5 विकेट खोकर। जवाब में चेन्नई का कोई भी बल्लेबाज मुंबई के बवंडर का सामना नहीं कर पाया और 41 रन से खिताबी जंग जीत मुंबई दूसरी बार आईपीएल का बेताज बादशाह बना। अब देखिए ना दोस्तों, जिस टीम के टूर्नामेंट जीतने की किसी को उम्मीद तक न थी उसने ऐसा लाजवाब बाउंस बैक किया कि सब देखते रह गए। तभी तो कहते हैं कि आपकी शुरुआत कैसी है ये मायने नहीं रखती है, बल्कि आपका अंत कैसा है ये जरूर मायने रखता है। तो दोस्तों, ये थे आईपीएल 2015 के टॉप और अविस्मरणीय लम्हे। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2015 में आईपीएल का कौन सा लम्हा आज भी आपके जहन में है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।